मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँख खुल गई तुम्हारी? आओ देखो, मैंने तुम्हारा सारा नाश्ता तैयार कर दिया, गर्मा गर्म पूरी और कमाल के छोले बनाए। मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ और तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारा दोपहर का खाना भी तैयार कर दूंगा। ये सब काम तो मुझे करने चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 महीने तक कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। तुम कितने अच्छे हो, मैंने बिना सोचे समझे कल रात तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। I'm sorry. कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू। थैंक यू के लिए ये जगह, तो बाकी चीजों के लिए? बेटा आनंद, तेरी खैर नहीं। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। गुड मॉर्निंग बॉस। अबे डुमडुम के बच्चे, यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहा है, और कोई काम नहीं है तो कम से कम मशीनें तो साफ कर दिया कर। अरे बॉस, मशीन साफ करने से क्या होगा, अपन की किस्मत पे जो कचरा पड़ा है पहले वो तो साफ करो। अबे चुप है, बहुत बकबक करने लगा है, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया क्या? आए तो बहुत हैं बॉस, लेकिन यहाँ नहीं वहाँ देखिए। अभी आती होंगी हमारी बॉस ब्यूटी मेम साहब, इसे आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? देखा बोलो, कितने प्यार से, कितने तरीके से, कितने सलीके से अपने कस्टमर को खुश करते हैं, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे मुंह में जबान है कि नहीं? अरे बॉस, अली जबान से क्या होगा, उधर का मशीन सब नया मॉडल का है, एकदम फिट फाट, और ऊपर से चलाने वाली भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ। बॉस मैं तुमको कितनी बार बोला, दो चार सुंदर छल छबीली तुम भी काम पर रख लो, लेकिन तुमको तो हम पे भरोसा ही नहीं ना। मेरे सामने तो बहुत जबान चलाता है, वहाँ जाके चिल्लाना कि हमारे यहाँ छपाई आधे रेट में होती है। जा बोल बोल। सुनो सुनो भाइयों, यहाँ हर किस्म की छपाई आधी कीमत में होती है, मेहरबान कदरदान आइए आइए। ठीक है ना बॉस? आधी कीमत तो क्या, मुफ्त में भी हमें नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। अबे और डुमडुम के बच्चे, सड़क पे जाने वालों को बुलाना, हमारे कस्टमर्स को बुलाएगा तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। अरे हमको बच्चा समझ के रुबाब मार दिए, अंकुश दिखने में भले छोटा होता है मगर बड़े बड़े हाथियों को काबू में कर लेता है ना बॉस? अरे मैं तो तेरे सामने बच्चा हूँ, मुझे ये सब क्या मालूम। कौन है आप? अरे क्यों रो रहे हैं आप? जब एक बेटी अपने सगे बाप से ये सवाल करे कौन है आप, तो बाप रोने का अलावा और कर ही सकता है। क्या आप मेरी डैडी हैं? हाँ, तुम्हारा एक ही बाप। सॉरी, एक एक्सीडेंट में मैं अपनी आदर्श खो बैठी हूँ। मालूम है, सब मालूम है, इसीलिए तुम्हारा ये बाप बड़े प्यार से तुमसे मिलने आया है। ये लो बेटी, केले खा लो। बेटी डैडी, ओ गॉड, आप जिंदा हैं, सही सलामत हैं, फिर मेरे पति ने ऐसा क्यों कहा कि आप मर चुके हैं? क्या तुम्हारे पति ने कहा कि मैं मर चुका हूँ? हाँ, इतना बड़ा झूठ क्यों कहा उन्होंने? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे दहेज में जितना सोना देने का वादा किया था उसमें सिर्फ 2 तोले सोना कम दे पाया, बस इतनी सी बात पर दामाद जी नाराज हो गए। पता मुझसे क्या कहा कि मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता, तुम आते वेले मर चुके हो। माय गॉड, इतनी नीच हरकत की उन्होंने आपके साथ, आने दीजिए उनको, ऐसी खबर लूंगी मैं उनकी। नहीं नहीं, ऐसा कसम मत करना मत करना। बेटी क्या तुम्हारा बोझ कम है उस पर? उसे पता चलेगा कि उसका ससुर यहाँ आया था तो उसे झटका लग जाएगा। बेटी मैं तुमसे मिलने आया था, तुमसे मिल लिया, अब मैं चलता हूँ बेटी। अरे डैडी, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूंगी, खाना खाकर जाना होगा, ठीक है? डैडी आप क्या इसी तरह हमेशा खाने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं? भगवान को नहीं बेटी, दामाद जी को, जो मिल लिया भगवान से भी बढ़कर है, अन्नदाता है। जय हो दामाद जी की। तेरे
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ डैडी डैडी, सुपारी बाद में खाना, पहले बादाम का शरबत पी लीजिए। राम 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 राम, ये मनोज चांदी की केतली अभी तक किस घर में है? मनोज केतली? अरे बेटी तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, इसी केतली की वजह से इस घर की खुशियों को ग्रहण लगा है, इसी की वजह से। फेंक दो इसको, फेंक दो। अरे ने, ये क्या किया आपने? केतली क्यों फेंक दी? बेटी तुम्हारे एक्सीडेंट में इसी मनोज केतली का हाथ था। उफ कितना भयानक एक्सीडेंट था, सोचते मेरा दिल काम पुरता है। राम 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 राम। रोमियो है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। क्या बात है? क्या दुनिया में इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है? ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा? दहेज मांगने वाले मर्द को तो डूब मरना चाहिए। मैंने तो दहेज में एक पैसा भी नहीं लिया। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, साफ साफ बताओ बात क्या है? मेरे डैडी आए थे। क्या? तुम्हें डैडी आए थे? भगवान का लाख लाख शुक्र है, गॉड इज ग्रेट। कहां है तुम्हारे डैडी? कहां है तुम्हारे डैडी? डैडी जब तुम उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो क्या वो तुम्हारे लिए यहाँ बैठे रहेंगे? मतलब दहेज में तुमको थोड़ा सा सोना कम क्या मिला? तुमने मेरे डैडी को जीते जी मार डाला। छी, ये क्या बकरी हो तुम? सोना, दहेज। तुम भले ही मेरे पिताजी से नफरत करते हो लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए दो केले लेके आए थे, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। केले? एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मेरी माँ, तुम्हारे पिताजी के यहाँ आने के बाद से जाने तक क्या क्या हुआ मुझे साफ साफ बताओ। चोर लफंगा। आनंद, आनंद शटा, खबरदार मेरे डैडी को चोर कहा तो। अरे वो तुम्हारा डैडी नहीं, कोई 420 था, उसने तुम्हें दो केले क्या दिए, तुमने चांदी का बर्तन उठा के दे दिया। खैर जो होना था सो हो गया, ये बात किसी को बताना मत वरना लोग ये समझेंगे कि दो केले देने से ये बेवकूफ लड़की कुछ भी उठा कर दे देगी, फिर लोग केला नहीं पूरा केले का झाड़ उठा कर ले आएंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी बड़ी रकम मैंने तुझे उधार दी, और उधार लेते वक्त तूने कहा था कि एक महीने में वापस करूंगा, आज कई महीने हो गए, मुझे तो तेरी नियत में खोट लगती है, खोट। सुनिए आहिस्ता बोलिए, अगले महीने शादी का सीजन शुरू हो रहा है, मैं किसी भी तरह। बहाने मत बनाओ, शादी की बात तो रही दूर, तेरी इस मनोज प्रेस में क्रियाक्रम के कार्ड छपाने भी कोई नहीं आएगा। जबान संभाल के बात कर। डुमडुम तू चुप रहे। कैसे चुप रहेंगे बॉस, हमारा भी तो 3 महीने का पगार बाकी है, क्या हम भी इसकी तरह गाला फाड़ फाड़ के आसमान सिर पे उठा रहे हैं? अबे ओए ज्यादा बकबक करेगा तो खींच के दूंगा, 32 ही बार आ जाएगी। मेरी 32 निकालेगा, निकाल। अरे निकाल। अरे डुमडुम क्या बॉस तुम चुप बैठो। अरे सेठ हम तुझसे छोटे हैं डर जाएंगे, चाकू नहीं डरेगा चीर के रख देगा। क्या कर रहा है तू? बॉस तुम चुप बैठो, मेरे सर पे खून सवार है, चल। मेरे पैसे तुम बाद में चुपता करना, पहले शैतान के बच्चे को दुकान से बाहर करो। क्या बोला? क्या सोच रहे हो बॉस? यही ना कि डुमडुम का 3 महीने का पगार बाकी है, कहीं ये फिर से चाकू ना उठा ले। मगर घबराइए मत बॉस, आपका नमक खाया है, हम आपके साथ थोड़ी ऐसा करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ये प्रेस बंद ही कर दूँ। ये भी ठीक है, प्रेस से एक पैसे की आमदनी तो होती नहीं, लेकिन फिर करोगे क्या वही समुद्र किनारे वाली पुरानी नौकरी? नहीं डुमडुम, मैं दोबारा उन लहरों से टकराना नहीं चाहता, उसी नौकरी ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। तो फिर घर में मेरी बीवी के पुराने जेवर पड़े हैं, उन्हें बेचकर मैं नया बिजनेस शुरू कर दूंगा। ये अपना ही घर है ना डुमडुम? मैं भी यही सोच रहा हूँ बस। हाय अनु, How do you like my new dress? Isn't it pretty? अच्छी है ना? और ये सब देखा? मेरे पूरे घर को मॉडर्नाइज कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अंदर आके देखो ना। I have not other things to show. बॉस, बाहर से तो तुम बड़े भोले भाले लगते हो, लेकिन अंदर से तो छुपे रुस्तम निकले। क्या बकरा? ये क्या लफड़ा है?
ये नई चीज कहाँ से पकड़ के लायो? अरे यार ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में फुर्सत में समझाऊंगा, ठीक है? बॉस समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। लेकिन बॉस कुछ भी हो ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त ये चीज़। बात कर, चुप बैठ, समझा? आनंद आनंद ये देखो सोनू के लिए ढेर सारे खिलौने लेके आई हूँ, देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। और ये सब सोनू की ड्रेसेस, इधर आओ ना। एंड दिस इज फॉर अस, एकदम मॉडर्न। इसमें एक चीज नोट की तुमने, ए ए आशा आनंद। मैंने खुद डिजाइन करके बनवाई है। ये सब खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आनंद उस दिन मैंने कहा था ना मेरे सारे जेवर आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, इसलिए एक भी नहीं छोड़ा, सब बेच दिए। अब लौटी चले चले। ये क्या अनु, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या माता मनाने? ये फुटबॉल की तरह मुंह फुलाई क्यों खड़े हो? हाँ बोलो ना, क्या हुआ क्या हुआ? वो देखो वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें तो जिंदगी का मजा लूटना ही नहीं आता। मैं तो खुद लूट चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कम से कम मुझे तो एंजॉय करने दो। क्या मैं तुम्हारी महफिल में शामिल हो सकती हूँ? थैंक यू। आई एम आशा। हेलो। हाय। गुड बियर। बहुत दिनों से बियर नहीं पी। एंकर इंपोर्टेड है? या। सॉरी। एक बात बताऊं यार, हमारे देसी माल जैसा नशा इसमें नहीं होता। चार पांच कैन पियो तब जाके थोड़ा सा फर्क पड़ता है।